हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरीज के बेसिक फंक्शन, लोकेशन, कंपोनेंट्स और हार्मोन्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं ओवरीज की लोकेशन से। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। हर वुमन के पास दो ओवरीज होती है। इनका शेप ओवल होता है और ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये यूटेरस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द ओवरीज। फीमेल बॉडी में ओवरीज के दो इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं। एक तो ये ओसाइट्स यानी एग्स सिक्रीट करती है फर्टिलाइजेशन के लिए और दूसरा ये हॉर्मोन्स बनाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज के फंक्शन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मदद से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज के बारे में। ओवरीज में 3 मेन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। ओवरीज का सरफेस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। कॉर्टेक्स, ओवरीज के कॉर्टेक्स में कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा और ओवेरियन फॉलिकल पाए जाते हैं। हर एक फॉलिकल में ओसाइट यानी एग होता है। मेड्यूला, मेड्यूला लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें रिच अमाउंट ऑफ न्यूरोवैस्कुलर नेटवर्क यानी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो ओवरीज के हाइलम से अंदर आते हैं। ओवरीज को अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए लिगामेंट्स हेल्प करती है। ओवरीज 2 पेरिटोनियल लिगामेंट से अटैच्ड होती है। एक है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये ओवरीज को पेल्विक वॉल से अटैच करती है और इसमें न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी है ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवरीज को यूटेरस के लैटरल साइड से अटैच करती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द ओवरीज। ओवरीज का मेन आर्टेरियल सप्लाई ओवेरियन आर्टरीज से होता है जो सीधे एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। इसके अलावा यूटेराइन आर्टरीज भी कंट्रीब्यूट करती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ओवेरियन वेन्स ब्लड ड्रेन करती है। लेफ्ट ओवेरियन वेन लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है और राइट ओवेरियन वेन इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ओवरीज के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।